कसरावद विधायक सचिन यादव ने एसडीएम कार्यालय में बैठक ली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्रामीण नल जल योजना सहित पंचायतों के अधूरे कामों को लेकर समीक्षा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई मामलों पर चर्चा की, जिसमें विधायक निधि से कार्डियक एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर को लेकर चर्चा की और उसे चलाने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर और शासकीय अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन, जो कि क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है, वह जब से आई है वह बंद पड़ी है, जिसे लेकर बीएमओ से भी चर्चा की। विधायक सचिन यादव से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया, जल्द से जल्द एम्बुलेंस ड्राइवर एवं डॉक्टर की व्यवस्था की जा रही है और डिजिटल एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, उसे भी तुरंत शुरू किया जाएगा। डिजिटल एक्सरे मशीन कसरावद ही नहीं, एक्सरे के लिए महेश्वर, मंडलेश्वर, करही तक के लोग यहाँ एक्सरे करवाने आते हैं, लेकिन मशीन बंद होने की वजह से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। जिसमें रोगी कल्याण समिति के लेकर कुछ क्वेश्चन से उठे थे, तो उस बारे में बताइए क्या? आज बेसिकली रोगी कल्याण समिति की बैठक में दो तीन आवश्यक मुद्दे आए थे, जिस पे हमने कुछ निर्णय लिए और निर्देश दिए। सबसे पहला प्राथमिक पॉइंट जो आया था वो था कि हमारे कुछ PHC सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे स्टाफ उपलब्ध नहीं रहते हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। मुख्यतः डॉक्टर्स वहाँ नहीं उपलब्ध रहते हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ CHC हॉस्पिटल में अटैच हैं। तो इसके रेफरेंस में मैंने ये निर्देश दिए हैं कि हर हफ्ते कुछ डॉक्टर्स की एक रोटेशन में ड्यूटी लगेगी, जिसमें उनका OPD टाइम निर्धारित रहेगा और वहाँ पे जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, लोग उनको भी ये सूचना होगी कि आज डॉक्टर साहब उपस्थित रहेंगे। तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक जो हमारा PHC सेंटर बना है काफ़ी 1.21 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में या स्टाफ की अनुपस्थिति में ख़राब हो रहा है, वो भी मेंटेनेंस होता रहेगा, प्लस लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिन लोगों को डायरेक्टली काफ़ी दूर दराज से सीधा कसरावद आना पड़ता है डिस्टेंस ट्रैवल करके, वो उनकी जो समस्या है वो वहीं हल हो जाएंगी और डॉक्टर साहब वहाँ अगर उपस्थित भी रहेंगे तो ऐसे कई लोग हैं जो बाकी चीज़ों के लिए भी जॉइंट डायग्नोज रह जाती हैं दिक्कतें और समस्याएं, उनका हल हो पाएगा। विधायक निधि से करोड़ों रुपए की जो कार्डियक एम्बुलेंस के धूल खाने की खबरें समाचारों में आई थी हमारे माध्यम से, जो अवगत कराया, उसको लेकर भी कुछ एक्शन लिया आपने? अभी हम लोग एक और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे विधायक जी और मैंने रोगी कल्याण समिति में हमने ये ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए सोचा है कि एक NGO के माध्यम से इसका संचालन किया जाए। तो वही लोग जो NGO जिसको हम निर्धारित करेंगे, वही वाहन चालक एज वेल एज लैब टेक्नीशियन जो है उनकी नियुक्ति करें एंड वही इससे कर वसूली भी करें। तो ये अगर शासन के नियमानुसार है ये कार्रवाई और उनके हमारे रूल्स में कवर होता है, तो ये हम एक ऑप्शन एक्सप्लोर करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। बाकी काफ़ी हमने एक बार इस पर पत्राचार भी किया है, तो हम इसका हल जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पदों के अभाव में हमारा पूरा कसरावद क्षेत्र जो है, ये स्वास्थ्य का जो लाभ सरकार के द्वारा हमारे ग्रामीण लोगों को मिलना चाहिए, उसका लाभ संयुक्त प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं इसकी वजह जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो व्यापम का घोटाला हुआ था, उस व्यापम के घोटाले में जो डॉक्टरों की जो भर्तियां होनी चाहिए थे और उस व्यापम के घोटाले के कारण जो डॉक्टर हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आ पा रहे, उसकी नियुक्तियां नहीं हो पा, डॉक्टर बन नहीं पा रहे हैं, इसके ये एक प्रमुख कारण है। मैं लगभग 2013 से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम और हमारे तमाम साथी जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल जो है इस दिशा में उठाते हुए नहीं दिख रही है और इसकी दुष्परिणाम जो है आज हमको देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार अत्यधिक रूप से मीडिया करता है और कसरावद नगर में देखा गया कि अधिकारी वर्ग प्रशासन मीडिया को शायद हो सकता है कि इससे दूर रखना चाहता है, उनको समय पर कभी भी किसी भी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती है, इस बारे में भी आप कुछ पहल करेंगे? निश्चित रूप से, ये देखिए मीडिया जो है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हम जो या शासन की जो भी योजनाएं होती हैं वो लोगों तक हमारी आवाज़ को, हमारे संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है हमारे मीडिया के साथ ही होते हैं। और निश्चित रूप से प्रशासनिक रूप से भी जो है ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में हमारे मीडिया के साथियों को समय समय पर जो बैठकें
आयोजित होती हैं उसकी मीडिया की लोगों को उसकी जानकारी मिले, ऐसी व्यवस्था जो है सर आपके द्वारा स्थापित होना चाहिए। डिजिटल एक्सरे मशीन दी गई थी लाखों रुपए की, वो बंद पड़ी है जिससे गांव वाले महेश्वर मंडलेश्वर करई तक के लोग आते हैं लेकिन वो बंद होने से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, इसके लिए कुछ देखिए ये जानकारी मेरे को अभी आज मीटिंग में हमको दी गई है कि चूँकि हमारे जो हमने जो एक नई डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ पर दी हुई है वहाँ पर एक कोई जो शासन के नियम होते हैं एलईडी शीट उसको जो बोलते हैं लेड शीट बोलते हैं वो लेड शीट की हमने स्वीकृति आज हमने यहाँ पर प्रदान करी है और मैं समझता हूँ शीघ्र ही जो है उसकी व्यवस्था हो जाएगी और हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन वापस जो है शुरू हो जाएगी। अधिकारी आपके साथ खड़े थे जब आपने एम्बुलेंस वगैरह दी थी, अचानक उनके व्यवहार में व्यवस्था ये इसी का नतीजा है कि आज एम्बुलेंस आपकी भूल खा रही है, क्या कहेंगे? देखिए मैंने पहले भी आपने जो सवाल किया था मैंने उस सवाल के जवाब में मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आ गई हैं, वो जो व्यवस्था हमको स्थापित करनी है उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।